साहबों ने यहाँ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वो ग्राउंड के किसी एक हिस्से को भी मुकम्मल नहीं भर सके। आज जमीयत उलमाए इस्लाम का ये जम्मे गफीर, ये इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर, आज ये मैदान अपने तंगिये दामा पर गिलमन है कि मुझे इतना छोटा क्यों बना। बनाया गया है। लिहाजा मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूं, जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस हिस्से को भरें। मेरे मोहतरम साथ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मगर वो एक पैगंबर है, नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वो एक पैगंबर है। पैगंबरों को भेज, कद खलत मिन कब्लिही रुसुल अफा इम्माता, जिस तरह के इससे पहले पैगंबरों को भेजा गया, अफा इम्माता काबिकुम, बस अगर ये उनको कत्ल कर डाले, और कुतिल क्या कलब तुम आला आकाबिकुम, या कोई उनको कत्ल कर डाले तो क्या उसकी हिदायत को छोड़ दोगे, उसके रास्ते को छोड़ दोगे भाई, उसकी जिसने भी उसके दीन को छोड़ दिया, वो मैं जिसने भी उसकी हुक्म और छोड़ दिया भी उसके फलाई यजुर अल्लाह शैया, तो इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उस इंसान का है जिसने उसके दीन को छोड़ा है। वो सैयदिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जजा देते। मेरे इंतहाई काबिल कदर साथियों, आज यहां पर हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर उलमाए किराम रोशनी डाल रहे हैं। हमें याद है कि हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह की जिंदगी में मशीनी ज़बह का एक मसला आया था, जिस पर कराची के और मुल्क के दीगर हिस्सों के उलमाए किराम ने उसको जायज करार दिया था, लेकिन हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने उसको जायज नहीं कहा, इख्तलाफ किया। और जब हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह कराची गए तो वहां हजरत बिन्नौरी साहब रहमतुल्लाह की मौजूदगी में उलमाए किराम ने इस मसले पर बहस करनी चाहिए, तो हजरत मुफ्ती साहब ने इस मसले के जवाब के खिलाफ जो फतवा दिया था उस पर जब दलायल दिए, बात की, बहुत बड़ी लंबी बात है लेकिन मैं मुख्तसर करूं। हजरत बिन्नौरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हजरत मुफ्ती साहब, आज जो तौजीह आपने बयान की है हमने इस पहलू पर नहीं सोचा, और वाकयातन, और मेरे मोहतरम साथियों, वहां के तमाम उलमाए किराम ने
अपने उस फतवे से रुजू किया और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह की राय को मुकद्दम समझा, तो हजरत बिन नौरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमारा ये ख्याल था कि हम इस मैदान में हैं तो हमारी इल्मी वजाहत, हमारा इल्मी मकाम मजबूत होगा, लेकिन आज आपकी गुफ्तगू के बाद पता चला कि हम तो आपके तालिब इल्मों में से। मेरे मोहतरम साथियों, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक जमाना था जब हम अपने आप को सियासत का उस्ताद समझते थे, लेकिन जब हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह इस मैदान में आए तो कहते मुझे फख्र है कि मैंने उनकी शागिर्दी अख्तियार की। मेरे मोहतरम साथ, हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह को जिस पहलू से भी किसी ने जांचने की कोशिश की है, उसने हर उस पहलू में मुफ्ती साहब को मुकम्मल पाया है। हमने उनको घर के माहौल में देखा, एक शफीक बाप की तरह देखा, एक तरबियत करने वाले बाप की तरह देखा, और आज उनको इस दुनिया से गए हुए 44 साल होने को हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कारकुनों के दिलों में वो जिंदा है। आज भी कारकुनों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत है। तो मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि यहां एक जम गफीर है, तमाम हजरात हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह नव्वर अल्लाह मरकदहु, उनकी मगफिरत के लिए दुआ जरूर किया करें। मेरे मोहतरम साथियों, सियासी मैदान में हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने जो मकाम हासिल किया और फिर हमारे कायदे जमीयत ने उन्हीं खतूत पर जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को डालकर जिस सियासी सोच और फिक्र के मुताबिक कारकुन को की जो रहनुमाई कर रहे हैं, आज ये जम्मे गफीर इस बात की गवाही देता है कि जमीयत उलमाए इस्लाम अपने नहज पर उसी तरह कायम है। लेकिन शायद हमारे मुल्क के अंदर कहा तो ये जाता है कि जमहूरियत है, कहा तो ये जाता है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, लेकिन हमने गुज़श्ता इंतखाबात में देखा है
कि मुल्क के जम्हूरियत के साथ, मुल्क की सियासत के साथ जो गद्दारी और जो जुर्म जर्नेल करते हैं, शायद सियासी लोग वो जुर्म नहीं करते। हालांकि मुल्क के कयाम में, मुल्क के बनाने में जर्रा बराबर इन जर्नेलों का कोई किरदार नहीं है। इस मुल्क के बनाने में यहां के मुसलमानों का किरदार है। इस धरती की आजादी के लिए उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज ये जर्नेल अपने आप को पाकिस्तान के सियाह सफेद का मालिक समझ बैठे। मैं आज इस जम्मे गफीर की वसातत से उन जर्नेलों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सीधे हो जाओ, समझने की कोशिश करो, वरना अगर इस जम्मे गफीर के सामने पहले न कोई जर्नेल टिक सका है, न तुम टिक पाओगे। आवाम ने बनाया है और उसमें किरदार मेरे मोहतरम साथियों उलमाए किराम का भी। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने सन 73 का आईन बनाने में जो किरदार अदा किया है और उसमें खत्म नबूवत के मसले में जो किरदार अदा किया है, आज उसी निस्बत से कायदे जमीयत ने इस मुल्क के आईन को बचाने का किरदार अदा किया। आईनी तरमीम के हवाले से हो या खत्म नबूवत के हवाले से हो या सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसलों के हवाले से हो, हमारी जमात की क़यादत ने जो किरदार अदा किया है, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को बनाने वाले भी उलमाए किराम थे, ये आवाम थे, और इस मुल्क को बचाने वाले भी उलमाए किराम हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम। सन 73 के आईन को बनाने में अगर हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह का किरदार था, तो आज उस खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ्फुज के लिए किरदार कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का है। लेकिन आपने देखा है कि आम इंतखाबात में जमीयत उलमाए इस्लाम को जिस तरह किनारे लगाने की कोशिश की जाती है, उन जर्नेलों से कहना चाहता हूं आज आकर इस इज्तिमा को देखो। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूं जर्नेलों को, इस मुल्क में फैसले करने वालों को कि जमीयत उलमाए इस्लाम को इस पर मजबूर मत करो कि जमीयत उलमाए इस्लाम इंतखाबात के रास्ते को छोड़कर इनकलाब का रास्ता अपनाए, वो पार्लियामेंट के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने का फैसला करे, उससे पहले होश के नाखून लो और इस मुल्क के मुस्तकबिल को हकीकी मानों में कौम के नुमाइंदों के हवाले करो।
और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपके किरदार की वजह से पहले भी ये मुल्क तो लख्त हुआ है और आपके किरदार की वजह से एक मर्तबा फिर इस मुल्क में दरारें डाली जा रही हैं। लिहाजा जहां हो वहीं रुक जाओ और कौम के सही नुमाइंदों को इस मुल्क के मुस्तकबिल की तरफ जाने दो। मैं जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस नाजुक मौके पर हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह के नाम से आज जिस इज्तिमा का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला हमें जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत में हकीकी मानों में जमहूरियत की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम को ये तौफीक बख्शे कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस मुल्क के बनाने में जो किरदार अदा किया है, इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में भी उसका किरदार रहा है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर जमीयत उलमा इस्लाम सुबह सिंध के एक एक वर्कर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए और आए हुए तमाम मुसलमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके घरों को दीन से आबाद करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।